एक और बात बतानी थी मुझे आपको यहाँ के एटीएम सिस्टम के बारे में, जैसे कि जी एटीएम है एक्सप्रेस और यहाँ पर एक मल्टी बैंक को चलता है और एक यूरो नेट। अगर आप कभी भी आपको यूरोप आने का मौका मिले तो अपने साथ यूरो या यूएस डॉलर साथ में जरूर लेकर आएं। सोचा तो था कि मैं इस ब्रिज के ऊपर जाऊंगा बट ब्रिज काफ़ी लंबा है, बहुत दूर तक है, जाने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जा। ये एक इस तरह पी एंड ओ क्रूजर्स, काफ़ी बड़ा क्रूज है, कम से कम इसके 15 मरले, 15 से 20 मरले काफ़ी, देखने भी आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्रूज है ये। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ अभी लिस्बन में, उस तरफ आप देख सकते हैं यह समुंदर, उस तरफ एक ये वो आप बड़ा वाला ब्रिज देख रहे होंगे। अभी मैं फिलहाल वहीं पर जा रहा हूँ, ब्रिज के उस पार है अलमाडा। अलमाडा एक छोटा सा मतलब लिस्बन का ही पार्ट है, तो फिलहाल मैं आपको जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं यहीं से वापस चला गया था, उस तरफ काफ़ी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट स्ट्रीट है, ये एक फुली टूरिस्ट प्लेस है मतलब लिस्बन का। और अभी चलते हैं उस तरफ, ब्रिज काफ़ी लंबा है, उसे क्रॉस करते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, आई थिंक आधा घंटा लगेगा पैदल जाने में वहाँ पर। और एक और बात आपको बतानी थी कि यूरोप में सबसे लंबा जो ब्रिज है वो लिस्बन में ही है। हाँ, ये नहीं है, कोई और है दूसरा, अभी चलेंगे फिर कभी वहाँ पर भी, फिलहाल अभी चलते हैं इस तरफ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive. देखने में तो ब्रिज काफ़ी नज़दीक लग रहा है बट दूर बहुत है यार, मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे पैदल चलते चलते, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आधे घंटे से पहले मैं वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि दूर है यार काफ़ी, बट आपसे प्रॉमिस किया तो जाना तो पड़ेगा ना वहां पे। चेयर सामने एक छोटी सी शिप जिसमें प्राइवेट इवेंट्स एंड टूर्स वगैरह होते हैं, ये ऐसे राउंड लगाएंगे आपको समुंदर में और यहाँ पर रात को होती है इसमें पार्टीज। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बोट्स और छोटे क्रूज भी खड़े हैं जो हमें दूसरी कंट्री में भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि लंदन जिसमें समुंदर वगैरह में। शाम के 4:30 हो चुके हैं और मुझे चलते चलते 1 घंटा हो चुका है पूरा, और अभी भी मैं ब्रिज के पास नहीं पहुंच पाया हूं। आप देख सकते हो उस तरफ अभी भी ब्रिज थोड़ा दूर है और काफ़ी ऊंचाई पर भी है, पता नहीं कैसे जा पाऊंगा वहां पर, थोड़ा और पास जाकर देखता हूं अगर कोई रास्ता हो या कोई लिफ्ट वगैरह हो, क्योंकि देख कर लगता नहीं है कि ये यहाँ से कोई नीचे भी जा रहा होगा, काफ़ी आगे तक है ये पुल, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। और ये है साइड सीन की बस लिस्बन की, इस बस में बैठकर आप पूरे लिस्बन का टूर ले सकते हैं।
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do any Hippo tour. देखने में ये बिल्कुल एक बोट की तरह लग रही है, बट है बस, उसमें भी ट्रिप मतलब टूर लगा सकते हैं सिटी का। सोचा तो था कि मैं इस ब्रिज के ऊपर जाऊंगा, बट ब्रिज काफ़ी लंबा है, बहुत दूर तक है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसके नीचे खड़कर आपको ये ज़रूर दिखा सकता हूँ। ऊपर की तरफ गाड़ियाँ चलती हैं और इसके नीचे एक और ब्रिज है, उस पर चलती है मेट्रो। मतलब एक ही ब्रिज से इन्होंने दो काम ले रखे हैं। अच्छा है यार। एक और बात बतानी थी मुझे आपको यहाँ के एटीएम सिस्टम के बारे में। जैसे कि ये एटीएम है एक्सप्रेस, और यहाँ पर एक मल्टी बैंक को चलता है और एक यूरो नेट। अगर आप कभी भी आपको यूरोप आने का मौका मिले तो अपने साथ यूरो या यूएस डॉलर साथ में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मैं अपने साथ लेकर नहीं आया था। मेरे पास SBI का कार्ड है, वही मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। और ये ऊपर जा रहा है प्लेन, पहले आप इसे देख लो। तो मेरे पास है SBI का कार्ड, जो मोस्टली मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं पैसे विड्रॉ करने लगा था तो भाई काफ़ी गंदा रेट मिल रहा था। यहाँ पर यूरो का जो अभी रेट चल रहा है वो है 87 रुपीज़, मतलब 87 रुपीज़ में एक यूरो है। अगर मैं यहाँ से विड्रॉ करता तो भाई मतलब 100 रुपीज़ कट रहे थे मेरे। एक यूरो 100 रुपये के बराबर मुझे यहाँ पर मिल रहा था। तो मैंने वैसे अभी निकाले नहीं है, अपने दोस्तों से मैं यहाँ से पैसे ले लूँगा, उनको ट्रांसफ़र कर दूँगा उनके इंडियन अकाउंट में, ऐसे काम चलाऊँगा। ये गलती आपको भी मत करना। अगर यूरोप आने का कभी भी मौका मिले तो भाई यूरो या US डॉलर अपने साथ कैरी करके लेकर आना, नहीं तो फिर यहाँ पर काफ़ी आपको कमीशन देना पड़ेगा पैसे विड्रॉ करने के लिए। नहीं तो आप अपने साथ एक न्यू ग्लोबल का कार्ड है वो भी रख सकते हैं, उसमें अच्छा खासा रेट मिल जाता है, कुछ ज़्यादा वहाँ पर कमीशन कट नहीं करते हैं। मेरे पास वो भी है बट वो अभी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसमें। आप इंडिया से लेकर आ सकते हैं। इस पे लोग साइकिलिंग, जॉगिंग और रनिंग वगैरह करते हैं, आप देखते होंगे ये काफ़ी लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं इस पर। यहाँ पे चलते हैं ऐसे रिक्शे, जैसे अपने इंडिया में चलते हैं ना पोंडी बोलते हैं ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है यहाँ पे। ये है एक इस तरफ P&O क्रूजर्स, काफ़ी बड़ा क्रूज़ है, कम से कम इसके 15 मरले होंगे, 15 से 20 मरले, काफ़ी, और देखने में भी आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्रूज़ है ये। और कम से कम 3-4 दिन हो गए मुझे इसे यहीं पर मतलब खड़े हुए, काफ़ी दिन से ये यहीं पर रुका हुआ है। इधर लोग भी हैं काफ़ी इसके, थोड़ा नज़दीक जाकर देखते हैं। और ये है एक डैशिंग बोट, है ना मस्त। मस्त जगह है यार बिल्कुल। आज वैसे लेग्स की अच्छी खासी बैंड बच चुकी है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलाऊंगा, और भाई पूरी तरह से आज थक चुका हूँ। आपने देखी है, मैं ब्रिज को देख के ऐसे चलता रहा,
जैसे जैसे उसकी तरफ जाता रहा तो ब्रिज भी भाई और दूर होता जा रहा था, काफ़ी दूर था यार। और वापस मैं जिसमें उनकी जो मेन मार्केट है, ये होटल की मार्केट है, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे। और भाई अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है जो वो सबसे पहले मिलती रहे। We'll be right back.